वेलकम टू माई चैनल टी सी डी द कुकिंग डायरीज। आज आपको बता रही हूँ चिकन फ्राई बिरयानी की रेसिपी, जिसके लिए मैंने ये लिया है 1 kg से थोड़ा ज़्यादा चिकन है ये। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया है। सबसे पहले इसको मैरिनेट करेंगे इसको फ्राई करने के लिए। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 2 चम्मच। 1 चम्मच इसमें डाल देंगे नॉर्मल वाली मिर्च। 1 चम्मच इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। 1/2 चम्मच इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। 1 चम्मच जीरा पाउडर। 1 चम्मच धनिया पाउडर। 1 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें नमक। 1/2 चम्मच से भी कम इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। 1/2 से 1/2 चम्मच डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर। इसके अंदर डाल देंगे 2 चम्मच के करीब नींबू का रस। 4 चम्मच डाल देंगे इसमें दही। 1 चम्मच इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको चिकन में, अच्छे से हाथ से करेंगे ताकि जो है मसाले सब अच्छे से अंदर बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। चिकन हमारा मैरिनेट हो करने के लिए रख दिया है। अब इसको थोड़ा सा 10 से 15 मिनट या आधे घंटे तक रख देंगे। अब जब तक हमारे जो चावल हैं हम उसको बॉईल कर लेते हैं। अब हमने ये चावल है इसको बॉईल करने रख दिया। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी 4 से 5 हरी मिर्च। 1 नींबू लिया है मैंने, इसको इस तरह से काट लिए गोल गोल, वो भी डाल देंगे। थोड़ा सा धनिया और पुदीना डाल देंगे। नमक डाल देंगे इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़े से मसाले लिए हैं मैंने साबुत खड़े वाले, वो डाल देंगे। ये 4 से 5 लौंगे हैं, 7-8 काली मिर्च हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े, थोड़ा सा शाह जीरा और 1 तेज़पत्ता ये इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे इसमें। चिकन को मैरिनेट करे हुए 1/2 घंटा हुआ है, अब इसको फ्राई कर लेंगे। मैंने एक पैन में तेल गरम करने रखा है और अब इसमें ना हमारा जो चिकन है उसको डाल देंगे। देखो चिकन भी हमारा एक साइड से फ्राई हो गया है, हम उसको तो साइड पर लेट देंगे ताकि वो जो है चिकन दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए। चिकन जो है हमारा फ्राई हो गया है, हम उसको निकाल लेती हूँ इसी तरह से। सारा चिकन जो है तो उसको फ्राई कर लूँगी, उसके बाद बताती हूँ आपको क्या करना है। देखिए चिकन जो है हमने सारा फ्राई कर लिया है। मैंने एक भगोना लिया है, उसमें जो तेल में जिस तेल में अपन ने चिकन फ्राई किया था ना वही तेल लेंगे, क्योंकि उसका चिकन का फ्लेवर जो है ऑयल में आ गया है। तो मैंने वही वाला तेल लिया है। इसमें मैंने 4 बड़ी प्याज काट के रखी है, वो डाल देंगे। हमारी प्याज जो है फ्राई हो रही है, इसको हल्का सा ब्राउन होने देंगे थोड़ा सा। और प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, अब इसमें से थोड़ी सी प्याज जो है निकाल लेंगे बाहर। कुछ निकाल लेंगे, इसमें डाल देंगे मैंने 2 हरी मिर्च का पेस्ट बना कर रखा। पेस्ट नहीं बनाया मतलब थोड़ा दरदरा सा फूटा है, अब वो डाल देंगे। इसमें डाल देंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। धनिया और पुदीना काट के रखा था मैंने, वो डाल देंगे। 4 चम्मच हम इसमें दही डाल देंगे। इसी के साथ मैंने ये 4 टमाटर काट के रखे थे वो डाल देंगे। 5 मिनट के लिए इसको ढक कर रख देंगे ताकि जो टमाटर है वो हमारे गल जाए, क्योंकि 5 मिनट हो गए हैं। अब हमारा जो टमाटर है वो गल गए हैं, थोड़ी सी हम इसकी भुनाई कर लेंगे। इसके साथ इसमें मैंने 2 चम्मच नींबू का रस निकाल के रखा है, वो डाल देंगे। डाल देंगे इसमें नमक 1/2 चम्मच से थोड़ा कम। 1 चम्मच इसमें डाल देंगे बिरयानी मसाला। चिकन है हमारा, वो डाल देंगे इसके अंदर। गैस की फ्लेम जो है लो कर देंगे। अभी थोड़ा सा चिकन जो है बचा के रखेंगे ऊपर से, ताकि बहुत से बच्चे मसाले वाला चिकन नहीं खाते, तो ये फ्राई वाला ऊपर से रख देंगे तो वो खा लेंगे। इसको मिक्स कर देंगे। तो ये चावल जो हमने बॉईल करके रखे थे अब वो डाल देंगे इसके ऊपर से। थोड़ा सा फूड कलर लिया है, इसमें थोड़ा सा केवड़ा डाल देंगे। ये प्याज थी वो डाल देंगे।
इसमें हम इसमें 2 चम्मच इसमें ऑयल डाल देंगे, वही वाला ऑयल डालेंगे जिसमें हमने चिकन फ्राई किया था। उसको रख देंगे 5 मिनट के लिए। अब हम इसमें थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर लाएंगे, उसमें मैंने इसमें एक कटोरी रख दी है। देंगे एक कोयले जले हुए, ये देखिए हमारा जो चिकन फ्राई बिरयानी है वो रेडी है। और आप लोग भी इसको ट्राई करिए, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।